सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसी देख रहे हो एबीपी सांझा। नायब तहसीलदार भर्ती घोटाले दे विच गिरफ्तारियां दा सिलसिला जारी है। हुण एक होर गिरफ्तारी हुई है। हुण तक कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। इन्हां दे विचों 4 कैंडीडेट ने। नायब तहसीलदार भर्ती घोटाले विच एक होर मुलजम की गिरफ्तारी हुई है। बलदीप सिंह नाम के व्यक्ति नूं पुलिस ने काबू किया है। हुण तक इस घोटाले विच 9 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। इन्हां विचों 5 गिरोह के मैंबर ने ते 4 कैंडीडेट ने। जिस बलदीप सिंह नूं पुलिस ने हुण गिरफ्तार किया है, एक होर कैंडीडेट बलराज सिंह के नज़दीकी पिंड दा ही रहण वाला है। बलदीप सिंह दा तीजा ते बलराज सिंह दा दूजा रैंक सी। इस प्रीख्या दौरान हाईटैक तरीके नकल करन ते करवाउण दे इल्जाम ने। SSP वरुण शर्मा वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान इस मामले संबंधी जानकारी दित्ती गई। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ। ਰੈਂਕ ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗਾ ਆ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੁਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 21ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਸੀ। लवप्रीत सिंह नूं काबू किया गया सी। लवप्रीत ने नायब तहसीलदार के पेपर विच 12वां रैंक हासिल किया सी। SSP का साफ कहना है कि इस घोटाले विच हाले भी कई गिरफ्तारियां होर हो सकदियां ने। असी सानूं लगता है कि कुछ होर अरेस्टां होणगियां इहदे विच। असी टैक्नीकली ते साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जी। जिहड़े भी बंदे का रोल आऊगा, भावें वह फैसिलिटेटर होवे भावें वह कैंडीडेट होवे, वी विल नॉट स्पेयर एनीवन इन दिस इन्वेस्टिगेशन। इस तो पहला IG मुखविंदर सिंह छीना ने दस्या सी कि इस घोटाले विच पटियाला ते संगरूर दे ज्यादातर कैंडीडेट ने। बिकॉज़ ये सारा इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल डाटा बेस्ड है, ठीक है। मौके पर कोई चीज़ रिकवर नहीं हुई, लेकिन अदर यूज़ की गई है। एक सेम कैंडीडेट ने यूज़ किया, एक बाहर जो फैसिलिटेटर बैठा उन्हें यूज़ किया, एक उन्होंने कंट्रोल रूम से बैठ के सिस्टम चल रहा। तिना चीज़ों का आपस जो कनैक्ट होया, वो चीज़ साढ़े पास पहुँची। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल असी पार्ट 1 जिहड़ा फैसिलिटेट अरैसट करके मीडिया के सामने लियांदा, और इन्वेस्टिगेशन तो बाद इहदा सारा सिलेक्शन प्रोसैस एक बार उन्हां दा असी रोकिया। लेकिन जो जो कैंडीडेट्स ने मैल प्रैक्टिस की है, वो मोस्टली पटियाला ते संगरूर देदना मोरुक एरिए दे ज़्यादा लोगों की सिलेक्शन हुई है, जिस चीज़ से सस्पैक्ट किया गया, और इस एरिए दे विच इन्वेस्टिगेशन फोकस करके सानू ये ब्रेक थ्रू मिली है। यस, चलो मैं इन्हां दस देना, फर्स्ट 10 दे विच भी है, बट हूँ इस तो बाद मैं आप जी ने कोई चीज़ शेयर नहीं करा, किसी पुलिस अफसर की कोई इनवॉल्वमेंट नहीं है सो फार। पंजाब विच आप सरकार बन तो तुरंत बाद 22 मई 2022 में नायब तहसीलदारां दीआं 78 असामियां लई लिखती इम्तिहान होया सी। नतीजा 8 सितंबर में ऐलानिया गया सी। नतीजे के तुरंत बाद इस इम्तिहान च गड़बड़ी हुई होण दा विवाद खड़ा हो गया। नतीजा सरकार ने अगले प्रोसैस नूं रोक दिता सी। फिलहाल हुण समां इक ब्रेक दा, ते ब्रेक तो बाद IG मुखविंदर सिंह छीना नूं सुणांगे। नायब तहसीलदार भर्ती घोटाले दे विच गिरोह दे 5 मैंबर भी फड़े हुए ने ते 4 कैंडीडेट ने। गिरोह दे 5 मैंबरां दी गिरफ्तारी तो बाद IG मुखविंदर सिंह छीना ने प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती सी। इन्हां पूरे घोटाले तो पर्दा उठाया सी। नायब तहसीलदार भर्ती घोटाले विच मुख तौर उत्ते 5 मैंबरी गिरोह पूरी तांदली पिछे है। इन्हां विचों 3 पटियाला ते 2 हरियाणा नाल संबंधित ने। IG मुखविंदर सिंह छीना ने दस्या सी कि इस गिरोह ने कैंडीडेट नूं भरोसा दवाया सी। दावा किया गया सी कि उन्हां दी नायब तहसीलदार वजों भर्ती करवाउणगे। 20 तो 22 लाख रुपए विच डील होईयां सन। कुछ पैसे पहलां ते कुछ बाद विच देने कीते गए सी। अक्यूज़ ने विचों 3 पटियाले दे ने, एक हरियाणा दा कुरुक्षेत्र दा, एक जींद दा। इन्हां दे नां साडे प्रैस नोट दे भी दस्से होए तुहाडे कोल। इन्हां ने कैंडीडेट्स नूं
फरमाया कि असी थोड़ा नायब तहसीलदार की सिलेक्शन कराने डील स्टार्ट की इन्हां नाल कि 22 लाख रुपया असी चार्ज करांगे तो थोनों असी सारा पेपर करावांगे थोड़ी सिलेक्शन तो बाद कुछ पैसे एडवांस ले कुछ बाद लवांगे। डमी कैंडिडेट नूं एग्जामीनेशन हॉल में बिठाया गया सी। इन्हां डमी कैंडिडेट को पेन कैमरे से हरियाणा दे विच एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया सी। इस कंट्रोल रूम में टीचर प्रोफेसर हर तरह के एक्सपर्ट बिठाए गए सी। मोटर स्प्रेडी की सी कि इन्होंने कुछ फॉर्म भरा के डमी कैंडीडेट्स को एग्जामीनेशन हॉल के अंदर बिठाया जिन्हों के कोल पिन कैमरा सीगे जिद राही सारा क्वेश्चन पेपर जरा इन्हों के एक हरियाणा के एक प्री डिटरमिनड कंट्रोल रूम के सारा का सारा क्वेश्चन पेपर पहुँच गया। उत्थे इन्होंने टीचर प्रोफेसर एक्सपर्ट्स बिठाए हुए थे जिन्होंने विद इन मिनट सारा पेपर सॉल्व करके उसकी की बनाती। प्रश्नों के तैयार किए गए उत्तर ग्रोह के मैंबरों वालों मोबाइल फोन के सिम कार्ड के आकार की GSM नामक डिवाइस राही प्रीख्या केंद्रों के अंदर बैठे अपने गाहकों उम्मीदवारों को बोल बोल के परवाई गई। उस बार जोड़े कैंडिडेट्स नाल इन्हों की सैटिंग से उन्होंने इन्होंने GSM इक्विपमेंट दिखी है। इट्स इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस जोड़ा मोबाइल नहीं है लेकिन मोबाइल वर्गी है पूरी प्री बैटरी चार्ज है जिद सिम पै जाता है। जोड़े कैंडिडेट्स इन्होंने जिन्हों सैटिंग से उन्होंने दो दो सिम और एक एक नवा मोबाइल फोन लेके आए। एक सिम GSM इक्विपमेंट के पाया जिसनों इन्होंने छुपा के कोई पैर जराब एग्जामीनेशन हॉल के अंदर लैके गए। जोड़ा मोबाइल फोन से सिम है एक एक असिस्ट करने लिए जो फैसिलिटेटर है एग्जाम के बाहर किसी जगह के उपर बैठ गया अंदरों इन्हों का उन्होंने कम्यूनीकेशन स्टैबलिश हो गया। और जी पेपर के सीरीज़ है जिस तरह थानू पता है कि तीन चार तरह के क्वेश्चन आंसर पेपर जंबल करके पाए जाते हैं जो सीरीज़ ए है किसी को बी है जो ए सीरीज़ है तो उन्हें एक बार खंघ के इशारा करता तो बाहर पता लग गया जी ए सीरीज़ का पेपर है ये कोल जे किसी को बी सीरीज़ का है तो उन्हें दो बारी खंघता या दो बारी मेज नॉक करता। और इन्हों क्वेश्चन आंसर पेपर बारहों जिस तरह उन्होंने दसी जाते आंसरस ये कैंडिडेट स्टिक करी जाते। गिरोह के पंजा मैंबरों को पुलिस को इलैक्ट्रॉनिक काफ़ी समान भी बरामद होया। इस ज़्यादातर डिवाइस तो इलावा मोबाइल और सिम ने लैपटॉप भी बरामद किया गया। फैसिलिटेटर जोड़े पांच असी अरैसट किए हैं इन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया है। इन्हों को असी 11 GSM इक्विपमेंट रिकवर की है सिम भी रिकवर हुए है मोबाइल फोन भी रिकवर होया लैपटॉप भी असी रिकवर किया। फरदर इंटैरोगेशन जी है स्पैशल टीम असी कॉन्स्टिट्यूट की है काउंटर इंटैलीजेंस विंग पटियाला पुलिस जॉइंटली इस ऑपरेशन देख रहा है। जोड़े दोषी फड़े गए किसी डिपार्टमेंट्स नहीं ये प्राइवेट बंदे ने दे आर एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी आई टी सैक्टर के बड़े एक्सपर्ट्स ने दे आर फ्रॉडुलेंट पीपल ये मतलब पुछगिछ आएगा कि होर कि एग्जामा इन्होंने चीज़ें। इस घोटाले बाद पंजाब सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी सी। पेमेंट मैं दसा इन्हों जो फैसिलिटेटर अरैसट होया उन्होंने कोलों उन्होंने सानू दस्या कि 22 लाख रुपया पर कैंडीडेट असी उन्होंने किया होगा कुछ अमाउंट पहला ली है कुछ अमाउंट उन्होंने बाद लैनी है कि जो उन्होंने हाथ से सिलेक्शन लैटरस आ जाएगी लेकिन यह प्रोसैस अजे कंप्लीट नहीं होया। गवर्नमेंट लैवल पर इंटीमेशन चलेगी इन्हों गवर्नमेंट ने इन्हों का सिलेक्शन प्रोसैस जरा स्टे किया हो किसी अपॉइंटमेंट लैटर अजे सो फार नहीं मिले असी FIR की रजिस्टर होने तो बाद इंटीमेशन जी राइट क्वार्टर से भेज दी है जिसना आप जी ने पहला भी शेयर कर। पुलिस मुताबक उन्होंने कोल मुलजमान खिलाफ़ टैक्निकल सबूत मौजूद ने यह भी कहा गया कि फिलहाल अजिहा कोई सबूत नहीं कि इस गिरोह ने किसी होर पेपर में धांधली की हो। देखो टैक्निकल एविडेंस जोड़ा है वह की है कि सिम यूज़ किया गया किसी जगह पर उसी टावर लोकेशन आई एक सिम कैंडिडेट यूज़ कर रहा वो एग्जामीनेशन के अंडर टावर लोकेशन आएगी एक सिम बाहर उन्हें जो फैसिलिटेटर यूज़ कर रहा वो आएगी फिर एक सेंटर जिथे बैठ के ये सारा एग्जाम के रिजल्ट जोड़े अपने थोड़े की है की तो एग्जाम दसे जा रहे हैं तो तीन प्लेसिस आपस इंटरकनैक्ट करके ही साढ़े पास एविडेंस आया नहीं सो फार नायब तहसीलदार के एग्जाम तो अलावा साढ़े कोई एविडेंस नहीं आया कि किसी होर पब्लिक सर्विस एग्जामीनेशन के इन्होंने इस तरह की इक्विपमेंट जी है इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करके इलैक्शन प्रोसैस में जरा रिविशिएट किया। हूँ तक इस घोटाले में 9 गिरफ्तारियां हो चुकी ने। इस 5 मैंबरी गिरोह तो इलावा 4 कैंडीडेट पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। पुलिस जांच निरंतर जारी है अजे होर भी गिरफ्तारियों तो इनकार नहीं किया जा सकता।
इत्थे एक होर ब्रेक लई रुकदे हां ते ब्रेक तो बाद भर्ती घोटाले दे उपर सियासतदान सुणांगे। आप सरकार विच भर्ती घोटाले दे उपर सूबे की सियासत भी गरमा गई है। विरोधी धिर मान सरकार नूं घेर रही ने, हालांकि सरकार भरोसा दे रही है कि कार्रवाई हो रही है। नायब तहसीलदार भर्ती घोटाले विच श्रोमणी अकाली दल के जनरल सकत्तर विक्रम सिंह मजीठिया ने उच्च पद्धरी जांच मंगी है। मजीठिया ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होवे। उन्हां सवाल उठाया कि हाले तक बाकी मुलजम क्यों नहीं फड़े गए। नौ बंदे फड़े गए हैं, पांच कराने वाले, चार कैंडीडेट, मगर जे कैंडीडेट केड़े फड़े गए, दो नंबर जेड़ा दो रैंक ते सी, तीजे रैंक वाला, बारहवें रैंक वाला ते इक्कीवें रैंक वाला, ते बाकी तो फड़े कोई नहीं। जे एक गल तो स्पष्ट है कि धांधली हुई है, चोर बाजारी हुई है। हुण इह चोर बाजारी हुई किहदे राहीं, कि पीपीएससी भी इनवॉल्व सी, कि गवर्नमेंट भी इनवॉल्व सी, इस गल की जांच कौन कर सकता है? पुलिस नहीं कर सकती। इस गल की मैं उस दिन भी मांग की सी कि कोर्ट मोनिटर्ड होवे जां सीबीआई करे, जिन्हां मुख्यमंत्री दे दफ्तर का या पीपीएससी का दबाव हेठों ना होण। अज भी मेरी मांग उही है, फ्री एंड इंडिपेंडेंट इनकुआरी, क्योंकि ये बच्चे बच्चिया ने अगे आने वाले समय से आला पोस्टा ते बहना। इन्हां ने पंजाब दे लोकां नूं, 3 करोड़ लोकां नूं या देश दे लोकां नूं इंसाफ देना, ते जे ए बैकग्राउंड सही ना होया ते इंसाफ कित्थों दित्ती जाऊगी। इस दौरान मजीठिया ने एक कैंडीडेट का भी जिक्र किया। ये उम्मीदवार पटवारी के पेपर च फेल होया सी, जिसने बाद में तहसीलदार के पेपर च टॉप किया। जिवें कि मैं जिहड़ा उस दिन भी आ लिस्ट विखाई सी, जसवीर सिंह एक टॉपर है, ये अजकल कोऑपरेटिव बैंक च मैनेजर ने। इन्हां ने नैब तहसीलदार का पेपर टॉप किया, पटवारी के पेपर च फेल होए सी। उस दिन पेपर सी जदे सवेरे फेल हो रहे, दोपहर नूं कोऑपरेटिव का टैसट हो रहा, उहदे च ये पास होकर कोऑपरेटिव बैंक च टॉपर वजो सिलेक्ट हो रहे, और मुड़ के नैब तहसीलदार च फिर टॉप कर रहे। इतों एक गल बड़ी स्पष्ट हो गई, जिहड़ा पटवारी च फेल सी वो दोपहर वाले पेपर नूं टॉप किवें कर गया, जां वह नैब तहसीलदार नूं टॉप किवें कर गया, ये गल किने उजागर की? बच्चे बच्चिया ने की, बिकॉज वो इतों अफेक्टेड पार्टी सी। उन्हां नूं उन्हां दी इंटैलीजेंस दा, इन्हां बच्चों का पता सी, उन्हां नूं पता सी कि ये डिजर्विंग नहीं, ये पैसे की धांधली ते या सिफारिश की जोर ते अंदर आ गए। उस वेले पीपीएससी ने भी एक स्टेटमेंट दी कि कोई गलत नहीं होया, अज वो गल सारी झूठी साबित हो गई है जब परचा दर्ज हो गया। उधर पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मांग की है कि प्रॉपर जांच होवे, सच सब दे सामने लिया जाए। राजा वड़िंग ने हुण तक दियां गिरफ्तारियां का स्वागत किया है। हुण गल ये है, स्कैम की गल करते हैं, ये किरे समय होया आम आदमी पार्टी दे। हुण मैं ये गल अज के कहां कि ये स्कैम ही उन्होंने कराया, ये गल बड़ी लोगों को जचती है, तो जिहड़े वेखण वाले सरोते उन्होंने भी बड़ी जचती है भी हाँ यार ये स्कैम होया। तो पर किसी समय भी स्कैम होना या नहीं होना, यहाँ मतलब उन्होंने रेवीन्यू मिनिस्टर ये इनवॉल्व है, पर मैं नहीं कह रहा इनवॉल्व है या नहीं है, पर इस तरह कोई स्कैम होंगे या कोई गल होंगी है, और जेडे लोग कसूरवार है उन्होंने बिल्कुल उन्होंने टंगना चाहिए, पर जेडे कसूरवार नहीं एवं लिया लिया के नहीं किसी को फसाना चाहिए। चंगी गल है जे भर्ती घोटाले का कोई सामने आया काम, तो चंगी गल है, वह नंगा करना चाहिए ता जो गांह वाले समय च इस तरह ना हो सके। मान सरकार वालों मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई हो रही है, सरकार अजिहियां घटनावां खिलाफ सख्त है। नहीं देखो, घोटाला तो कोई भी किते भी हो सकता, मसला तो यह आ भी एक जागरूक सरकार उत्ते एक्शन लेंदी आ कि कंप्रोमाइज करती है। मान साहब की सरकार के ध्यान च जदों ये विषय आया है और इमीजिएटली उत्ते इनकुआरी बिठाई गई आ, और कुछ बंदियां ते परचे भी दर्ज हो गए, और हजे भी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ताकि किसी भी जिहड़े उत्ते अपीयर होए आ स्टूडेंट ना वधीकी ना होवे, और इस तरह का जिहड़ा स्कैम है
और ये जड़ियां जड़ा है वह भी हरियाणे च कि ना कि प्रतीत हो रही लगिया हुई हैं। तो पंजाब च बर्दाश्त नहीं करांगे, हुण एक जागरूक और संवेदनशील और जवाबदेही सरकार है इस टाइम पंजाब च। हालांकि आप वालों कार्रवाई का भरोसा दिता जा रहा है, पर एक घोटाला कई वड्डे सवाल खड़े करता है। आखिर किवें इस मामले में विद्यार्थियों के भविख नाल खिलवाड़ होया है? लोड़ है सूबा सरकार सख्ती नाल निजिठे। हुण एक होर ब्रेक लई रुकदे हां ते ब्रेक तो बाद कुछ विद्यार्थियों नूं सुणा के इन्हां भर्ती घोटाले नूं लैके वड्डे सवाल उठाए सन। नायब तहसीलदार भर्ती घोटाले ने विद्यार्थियों के भविख उपर सवाल उठाए ने, आखिर किवें इस कैम हो गया। हालांकि पुलिस भरोसा दे रही है कि कोई भी दोषी बख्शिया नहीं जाएगा। चाहे पुलिस ने भर्ती घोटाले में 9 गिरफ्तारियां कर लिया ने, पर विद्यार्थियों के भविख उपर सवाल है। 10 अक्तूबर में कुछ विद्यार्थियों ने श्रोमणी अकाली दल के जनरल सकत्तर बिक्रम सिंह मजीठिया के नाल बैठ के प्रैस कॉन्फ्रेंस की थी अते इन्हां कई सवाल उठाए सन। मैं सिर्फ बठिंडा डिस्ट्रिक्ट रामपुरा का रहने वाला गा जी। पूरे ऑल ओवर रैंक दे विच मेरा 34 रैंक आया, पर जनरल दे विच 28 होने करके सीटा, क्योंकि जनरल दे विच 19 ने, तां करके मेरा नाम नहीं आया। क्योंकि 19 दे विच अगे 11-12 बंदे तो तुहानू मजीठिया साहब हैं जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाकी 11-12 बंदे तो तुहानू पता लग ही गया कि इको तहसील दे ने। ते किसी भी स्कैम दे विच जे आपां देखिए, जिवें पहला आप जम्मू कश्मीर का एस आई का स्कैम जो जिन्हों CBI जांच कर रही है, जे आप पैटर्न पर देखिए तो जो रिजल्ट कढ़िया तो उतों भी जवाकों ने कढ़ के देखा कि ये बच्चे जोड़े टॉपर टॉप कर रहे हैं, वो जे उन्हों बच्चों के पहला जो एग्जाम हुए थे वो सारे जो फेल कर रहे हैं। दूजा उन्होंने की मिले कि एको ही फैमिली के नाल लिंक दो तीन तीन बच्चे तो एस आई के पेपर के टॉप के मिल रहे हैं। तीजी गल उत्थे भी निकल के यही सामने आ रही थी कि उत्थे भी इको जिले के इको एरिए संबंधित बच्चे सामने आ रहे थे निकल के। इत्थे भी असी जिहड़े असी कुछ बच्चों ने मिलकर ये रिसर्च की है नंबरां दे रिलेट, इत्थे भी सानू निकल के सामने यही आया कि इको तहसील दे निकल के ये बच्चे सामने आ रहे हैं। जे इन्ने ही तहसील वाले कुछ महीने पढ़ के अगे आ सकते हैं तो सानू भी स्ट्रैटजी दसो बई तुसीं कीड़ी अपनाई आ। तो सानू असी उन्हां नू कहना चाहुंदे वी फिर तो तुम 6 महीने लग के पंजाब का नाम रोशन करके UPSC भी टॉप कर सकते हो, इतों तक की क्यों रुकना तुम। रिजल्ट होने तो बाद PPSC कोई भी ये शो नहीं करती कि जोड़े बच्चे असी सिलेक्ट किए ने लिस्ट के नंबर किन्ने आए ने, सैंपल रोल नंबर जोड़े है डिस्कलोज कर दें आ बच्चे सिलेक्ट ने। हुण सैंपल इतने होर भी गल दसा, कल क्वेश्चन भी आऊगा, मैं पहला अज ही क्लीयर कर दिना ये सर। उस तो बाद कहें कि UPSC भी इदा ही करती है कि UPSC ते PPSC असी मनिया जाता कि एक टॉप दियां एजेंसियां ने जिहड़ियां कि पेपर कंडक्ट करदियां ने, असी मन गए सर UPSC इदां करदी आ। UPSC दे पेपर दा जिहड़ा पैटर्न कुछ होर है जी, UPSC दे पेपर दा पैटर्न होर किवें आ। UPSC लास्ट दे विच एक स्टैप हुंदा इंटरव्यू दा, इसे लई उह इंटरव्यू दे नंबर भी उहनां दे विच पेपरां दे विच कंबाइन हुंदे आ। फिर नंबर UPSC शो नहीं कर सकदी उहनां चिर जिन्ना चिर उहदे इंटरव्यू भी बच्चे दी कंडक्ट ना होवे, पर PPSC दे विच तां सर इंटरव्यू दा कोई कंसैप्ट ही नहींगा। वन टायर पेपर होंदा, नोटिफिकेशन आउंदी, बच्चे भरदे आ, लास्ट जो तुसीं रिजल्ट डिकलेयर करदे आ उदों तुसीं नंबर शो क्यों नहीं करदे सर। इत्थों ही सारा जिहड़ा हैगा खेल स्टार्ट हो जांदा, फिर किहड़े बच्चों के रोल नंबर आउंदे ने जां आए ने उह तुहाडे सामने सारयां ने दस ही दित्ता है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने पुछिया सी कि आखिर मूनक अते पात्रां दे ही ज्यादातर विद्यार्थी क्यों सिलेक्ट होए, उन्हां मान सरकार दौरान इस नूं वड्डा स्कैम दस्सिया। तुसीं हैरानगी वाली गल वेखोगे कि मुख मंत्री साहब की छाप किवें दिसदी है। ये पहली लिस्ट कढ़ो जी, आह ऑल टॉपर्स आर जिहड़ा नैब तहसीलदार जी भर्ती होए है, आ देखो जी आ पढ़ो उत्ते सारे टॉपर जिहड़े ने वो मूनक ते पात्रा तो ने। तुसीं हैरान होंगे कि 19 पोस्टा ने जनरल कैटेगरी दियां, उहदे चों 11 पोस्टा मूनक ते पात्रा नू गईया, मतलब दो ही गईया पात्रा नू, बाकी सारी मूनक नू। मूनक किहड़ा एरिया आप दा जेड़ा गढ़ मन्या जांदा भगवंत मान जिथों MP बन के आए है, जिथों इन्हां दे लगभग सारे वजीर बिलोंग करदे ने। हालांकि पुलिस ने भरोसा दिता है कि कोई भी मुलजम बख्शा नहीं जाएगा।
इन्वेस्टिगेशन के घेरे के जो जो अक्यूज्ड आएगा कोई नहीं बचेगा। जिन्हें कैंडीडेट्स ने यहोजे मैल प्रैक्टिस करके या फ्रॉड के नाल अपनी सिलेक्शन करवाई है, ईच एंड एवरी विल बी ब्रॉट टू बुक एंड नो बॉडी विल बी स्पेयर्ड। असी किसी नहीं छड़ना ये कि फिलहाल असी कैंडीडेट्स नू अरेस्ट करने तो पहला जा जड़ा जड़ा भी इस घेरे चाहता कंप्लीट एविडेंस अपने को लिया चाहते हैं। कुछ कड़ियाँ जी अच्छ साढ़े पास नहीं है, स्लोली स्लोली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पांच फैसिलिटेटर फड़े है, इन्हें नाल कुछ होर बंदे भी ने, वो सारे अरैसट होने तो बाद कंप्लीट पिक्चर जी है वो आ जाएगी और सबसीक्वेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दसिया जाएगा बिकॉज ए इज अ वेरी इंपोर्टेंट जी नैब तहसीलदार का एक बड़ा इंपोर्टेंट अहदा गिना जाता पंजाब के इलैक्शन प्रोसैस जरा इनिशिएट किया कुछ लोगों ने। सो वील शेयर मीडिया के नाल सबसीक्वेंट डेज के एक स्पैशल टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो असी मीडिया के फ्रेंड्स या मीडिया नाल इस चीज़ शेयर करा। जरूरी है विद्यार्थियों के भविख में वेखद इस मामले जल्द इंसाफ मिले। कोई शक नहीं इस घोटाले ने मेहनती विद्यार्थियों के हक उपर डाका मारिया है। फिलहाल दे लई इना ही देश दुनिया दीआं तमाम खबरां वेखण लई तुसीं वेखदे रहो ABP साझा।